तो ये वीडियो है 16 दिसंबर की। हम लोग गए थे ग्वाल मंडी की साइड, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धुंध थी, इतनी ज़्यादा धुंध थी कि आसमान से ज़मीन पर गिर रही थी, लाइक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रिकॉर्ड करके आप सबको दिखाया जाए कि लाहौर के हालात क्या चल रहे हैं। खैर, बहुत मज़ा आया हम लोगों को यहाँ पर। और अब हम रिक्शा ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि हमने घर जाना है, बहुत टाइम हो गया था, 8 बज गए थे हम लोगों को यहाँ। रिक्शा ढूंढते ढूंढते ही मुझे नज़र आई ये लड्डू पीठी की शॉप, तो मुझे क्योंकि बहुत पसंद है तो मैंने जो है ये 2 लिए थे लड्डू, और बहुत ही मज़ेदार थे ये। तकरीबन कोई 15 या 16 साल से जो है अंकल इधर ही बैठते होते हैं, और इनके लड्डू पीठी बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं ज़रूर खा कर आती हूँ यहाँ से। तो फिर मैंने यहाँ से लड्डू पिट्ठे लिए थे, और साथ साथ मैं मौसम भी दिखा रही थी कि कितना सुहाना हुआ हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैं तो फुल एंजॉय करते हुए लड्डू पिट्ठे खाए थे, और ये बिल्कुल फ्रेश ताज़े बना के देते हैं गरम गरम, मज़ा ही आ जाता खाकर। फिर घर वापस आ गए, और वह घर वापस आने के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हम लोग ये लेके आए हैं कॉफ़ी ब्लेंडर। वो असल में मिक्सचर मुझे चाहिए था, इलेक्ट्रिक मिक्सचर, पता नहीं ब्लेंडर समथिंग इसको कुछ कहते हैं। तो मैं ये लेकर आई थी क्योंकि कॉफ़ी बनाने के लिए ना बहुत तो मुश्किल होती है। 2-3 बार मैंने कॉफ़ी बनाई है ना, मैं तो नहीं पीती हूँ, लेकिन घर वालों के लिए बनानी पड़ती है ना जब कॉफ़ी, तो बहुत ज़्यादा हाथ दुख जाते हैं इसको बीट कर करके। तो ये वाला बीटर फिर मैं ले आई थी, इससे ये है कि कॉफ़ी बहुत अच्छी बीट हो जाती है। तो अभी मैं इसके अंदर सेल डाल के देख रही हूँ कि ये सेल चलते हैं या नहीं चलते। तो सेल मैंने गलत डाल दिए थे, जिसकी वजह से ये चल ही नहीं रही थी मशीन। फिर मैंने साइड चेंज की कि शायद आप सही डाल चलेगी, लेकिन नहीं चली। फिर दोबारा बहुत सारे मसले चले इसके साथ, मेरा पॉपट पे पॉपट होता गया। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, मैंने भी सोचा हुआ था कि मैंने करना ही करना है इसको, मशीन को चलाना है किसी भी तरह, और आज कॉफ़ी बनानी है। तो फिर मैंने कॉफ़ी बनाने के लिए सामान वगैरह ले आई थी। फिर मेरी सिस्टर ने मशीन ऑन की थी, क्योंकि मैंने सेल गलत लगाया था, तो फिर उन्होंने सेल सही लगा कर मशीन चला ली थी। उसके बाद अभी ये देखेंगे, यहाँ भी पॉपट हुआ, ये सारी कॉफ़ी गिर गई बेड के ऊपर। मैं खुद देख ये रही होता है हूँ, मेरे साथ, ये जो हमारे घर वाले हैं ना वो यही काम करते हैं। आप कह रही हैं पीछे दस्तरखान नजर आ रहा था, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा दस्तरखान। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल माइंड नहीं करना, उड़ाई ना बिस्तिक मेरी, फिर देखना। ओए होए, ये फिर बाहर गिरेगी, रुको मैं बड़ा बर्तन लेके आती हूँ, ये गिर जाएगी बाहर। खाली चला ये खाली चला रही थी, पता नहीं क्या सोच के इनको खाली चलाने का दिल किया, इतनी सारी कॉफी गिरा दी है बेड के ऊपर, अब ये साफ मैं करूँगी। और मैंने बालों में ऑयलिंग की हुई है, इसलिए बाल इतने रफ लग रहे हैं और टफ लग रहे हैं। ये अक्सर मेरे साथ होता है कि मैं कैमरा ऑन नहीं करती और वीडियो में बात कर रही होती हूँ। ये देखो कितनी ज़बरदस्त कॉफ़ी बन रही है, और कितनी अच्छी लग रही है ये वाली मिक्सी ना यार, क्या ब्लेंड हो रही है ज़बरदस्त। अब ये बिल्कुल रेडी है पीने के लिए, तो अब हम एंजॉय करते हैं। हम क्या, मैंने तो पीनी नहीं है, मेरी बाजी पियेंगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, मैंने व्लॉग एंड नहीं किया, थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करती गई। तो ये जो मैं समोसा पार्टी दिखा रही हूँ आप लोगों को, मैं गई थी अलीजे और के घर, तो ये समोसा पार्टी करते हुए हम लोग बैठे हुए हैं, मैं अलीजे, हम लोग फ्राई समोसा चिप्स, और चिप्स कह रही हूँ, ये मेमल है हमारी, और ये अलीजे दिखाई थी भी मैंने अभी आपको। हम लोग समोसा पार्टी कर रहे थे, और आज हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था, आज कह रही हूँ उस दिन हमने बहुत इन्जॉय किया था। मेहमा मेहमा, मेरी गोलंकी क्या कर रही है? मेरी बेटी को भूख लग रही है। अम्मा जालिम ने लोजा लगवा दिया है। काके पाके ची ची ची।
इतनी शरीफ बनी लेटी बेचारी बच्ची, सबर से दो उंगलियां मुंह में रख के लेटी, आ जा मम्मा आ जा, देख कैसा बाजा बजाऊंगी। नहीं वो ये नीचे जो ना वो इतनी बजा। शराफत आपको नजर आ रही है ना, इतनी शरीफ ये है नहीं हमारी बेटी। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा नहीं, इसने बाजा कैसा बजाया था, बड़ी मुश्किल सुलाया था इसको। फिर उठ गई हैं दादी अम्मा, भूख लग रही है। असल में मामा गई हुई है बाजार और हमारी मैमल ने रोजा रखा हुआ है। हेलो गुड्डो मानो। नाराज हो गई है। उपोषण नजार जो आप हैं, मेरा बच्चा नालाज हो गया, पुप्पी जी नालाज हो गया, पुप्पी जी मेरा बच्चा पार तो देखो पप्पा को और भतीजियों कितना है एक दूसरे से। बस करो फूफो, वजन ना डालो बाजू पे। तो ये सेल्फी लाइट तो अभी तक आई नहीं, लेकिन ये आ गया है, कुछ इस तरह का है। अब हम ट्राई करते हैं इसको लगा कर, देखते हैं कि सही बैठता है या नहीं। लेट्स ट्राई इट। ओके तो ये सेट हो गया। आई होप अब मैं पूरी नज़र आ रही हूँ, मतलब जो मेरा फ्रेम है वो सही तरह नज़र आ रहा होगा। हाँ, अपसाइड नज़र आ रहा है। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, ये जो फुटेज अभी आप लोगों ने देखी है, ये फुटेज है तकरीबन 3-4 दिन के गैप से, क्योंकि मैं उसके बाद बिल्कुल व्लॉग नहीं किया। मैं कहीं नहीं गई और ना ही मेरा व्लॉग करने का बिल्कुल भी मूड था, सो मैंने व्लॉग नहीं किया। सिंपल सी बात है। और आज मैंने क्या पहना है अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मेरा OOTD किया है। सो अभी जो है तैयारियाँ चल रही हैं शादी की, क्योंकि शादी होने वाली है मेरी सिस्टर की बेटी की। मैंने आपको बहुत से व्लॉग में बता दिया, लेकिन फिर बता रही हूँ कि मेरी सिस्टर की बेटी की शादी है। कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन से फंक्शन पे पहनना है, तो बस इसी वजह से बिज़ी हूँ। और दूसरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं कर रही थी इतने दिन से, बस यही वजह थी। और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था व्लॉग करने का, तो फिर मैंने सोचा कि व्लॉग नहीं करती। सबसे पहले मैं खुद को ही देखती हूँ इस चीज़ पर कि मैं ठीक होंगी तो व्लॉग करूँगी, अदरवाइज मैं व्लॉग नहीं करूँगी। तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर रही थी इतने दिन से। और गला मेरा फिर से इतना ख़राब हो चुका है कि ये दो गिल्टियाँ और मोटी हो चुकी हैं, तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। तो खैर बीमारियाँ तो साथ साथ चलती ही रहेंगी, क्योंकि ये चल ही रही है मेरे साथ बहुत टाइम से। तो आई थिंक अब 3रा मंथ हो चुका है कि मैं इस बीमारी से फाइट कर रही हूँ, लेकिन मैं करती रहूँगी इसी तरह फाइट, और इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो टुडे आई एम वेयरिंग दिस, लाइक इसका गला इस तरह से है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त बहुत अमेजिंग लग रहा है इसका गला इस तरह से, ठीक है। और बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे लाइट क्योंकि इतनी अच्छी है नहीं, तो शायद ये नज़र भी ना आए सही तरह। तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। और नीचे मैंने जीन्स पहनी हुई है, ऊपर मैंने ये वाला टॉप पहना हुआ है, और ये बहुत अमेजिंग लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला। असल में ये ना मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया था, बट उन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं पहनना, तो मैंने कहा चलो मैं पहन लूँगी, तो उन्होंने मुझे दे दिया, तो अब मैं ये पहन रही हूँ। बिल्कुल न्यू है, अभी मैंने फर्स्ट टाइम ही पहना है ये वाला। ये वो वाली जगह जहाँ मैं अक्सर बैठ के आप लोगों से बात करती होती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। असल में बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करी हूँ, बहुत ही टाइम बाद, तकरीबन 5 या 6 दिन, आई थिंक या 4 दिन हुए होंगे ब्लॉग मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलें इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ नया अमगुल ब्लॉग्स। बाय। तो मैं उसकी शादियों के शादी के शादियों कह रही हूँ शादियों